अल्लाह के महबूब आसमाम ने शत फरमाया चार चीज़ें अगर किसी को मिल जाएँ तो वो उसकी खुशबी से हैं उनमें से एक अद्दारवासी कुशादा घर दूसरा वज़ोजतुन हसना साल पाकिज़ा इफ्फत मब नेक फर्मा बरदार बीवी इससे मुराद होती है बीवी का साल होना खूबसूरत होना नेक होना फर्मा बरदार और मती होना खांद के ऊपर तहकुम का मिजाज ना रखने वाली होना खावंद के माल में और उसकी आबरू में खयानत करने वाली ना होना ये बीवी की खूबियाँ हैं एक रिवायत में आया कि जब तुम उसे देखो तुम्हें खुश कर दे और एक रिवायत में सालह बीवी की तारीफ ये की गई जो दीनी अमूर में तुम्हारी मददगार हो तो जो तुम्हारे माल पर खयानत ना करे तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत करे तुम्हारी फर्माबरदार और मती हो तुम्हारे ऊपर अलुव ना चाहे यदि तुम्हारे ऊपर तहकुम ना चाहे और तुम्हें नीचा लगा के रखने की आरज़ू उसके सीने में ना हो बल्कि वो तुम्हें सरबुलंद देखना चाहती हो अपने पर्दे की हिफाजत करने वाली हो अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली हो और काने हो शिक्र गुज़ार हो तो ऐसी बीवी का नसीब हो जाना हसा दुनिया से है आका करीम ने इशार फमाया दुनिया मत वैर व मता हा अलमरात साल दुनिया मता है और दुनिया का बेहतरीन मता अच्छी नेक बीवी है तो अगर अच्छी साल नेक बीवी नसीब हो गई तो ये दुनिया ही जन्नत है और अगर बदकार ना शुक्र गुजार बीवी है तो ये दुनिया ही जहन्नम का गढ़ा बन जाती है इसलिए ये अगर किसी को नसीब है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और ये अल्लाह की इनायत है किसी पर जो अल्लाह ने मकसूम की है तो ये छोटी नेमत नहीं है ये बहुत बड़ी नेमत है। तीसरी चीज़ है तीसरी चीज़ एशाद फरमाई अलमरकबुल हनी तेज़ रफ्तार नशीत घोड़ा और चौथी चीज़ एर शाद फरमाई अलजारसाले नेक हमसाया तो किसी को नेक हमसाया नसीब हो को शादा घर मिल जाए नेक साल पाकिज़ा मिजाज खातून नसीब हो जाए और अपनी ज़रूरत के लिए अच्छी सवारी मिल जाए तो वो दुनिया की खुश नसीबी और दुनिया की फिरोज बख्ती समेट चुका है ये चार चीज़ें हमारी ज़िंदगी की खुश नसीबी में से हैं अगर किसी के पास ये चार चीज़ें हैं तो वो अल्लाह का शकर अदा करे और ये चीज़ें जब इंसान को मैसर आ जाएं तो वो यकसुई के साथ इबादत भी कर सकता है यकसुई के साथ साले और नेक आमाल भी बचा ला सकता है तो यहाँ एरशाद फरमाया कि जब हम कहते हैं अल्लाह हमें हसनात दुनिया अता फ़रमा और हसनात आखरत अता फ़रमा और आतश दोज से हमें बचा ले तो हसन दुनिया से मुराद दुनिया की हर खैर होती है